ये जब भी मेधा के पास से आता है ना, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल जाता है। सुना कितनी बदतमीजी से बात की उसने? नहीं माँ, नहीं सुना, क्योंकि मैं आपके बर्ताव को देख रहा था और मुझे ऋषभ के रवैये पर नहीं बल्कि आपके बर्ताव से ज्यादा दुख पहुंचा। तुझे तो आजकल ऋषभ में कोई खामी ही नजर नहीं आती। ये बात नहीं है, मैं आजकल रिश्तों पे एक कड़ी निगरानी रखने लगा हूं। दोनों आंखों को खोलकर बड़े गौर से देखता हूं और रिश्तों को लेकर एहतियात बरतने की वजह भी आप ही। मैं? मैं जब भी देखता हूं पीछे तो मुझे ये महसूस होता है कि मेरे और आपके रिश्ते में एक भारी अंधापन रहा है। आप खुद ही याद कीजिए किस तरह से आप मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को अपने ममता से हमेशा ढकती रहती थी और मैं आपके लिए अपनी इज्जत साबित करने के लिए एक से एक गलत काम करते चला गया और आप मुझे हमेशा शह देती रही। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ मां कि मैं अस्पताल में पड़ा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था और आप बार बैठी रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। करें, जिन पुरानी बातों पे तू अफसोस कर रहा है ना, सच बताऊं मुझे उन बातों पे बिल्कुल अफसोस नहीं है। एक बेटे होने के नाते तूने उन लोगों को दुख दिया है जिन्होंने तुम्हारी मां को दर्द दिया था। तेरे मेरे खून की यही तो फितरत है, जो लोग हमें दुख देते हैं उनसे पूरी वसूली करते हैं। ऋषभ की रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है, उससे आप किस दुख की वसूली कर रही हैं? उसे किस बात का दुख है? शादी तो वो मेधा से ही कर रहा है। उसकी शादी पर आप जो नाखुशी जाहिर कर रही हैं, उसे कोई सुख तो नहीं मिल रहा है। आप भले ही मेधा को अपनी बहू ना माने लेकिन वो ऋषभ की होने वाली बीवी है और डंके की चोट पर यह ऐलान कर देना कि आप उससे नफरत करती हैं, ये सही नहीं। लेकिन ये सच्चाई है। ऋषभ के खातिर आप अपनी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती हैं। मैं मजबूर हूं बेटा, क्योंकि मैं एक औरत हूं। आदमी अपना दिल बदल सकता है लेकिन औरत वो अपना दिल कभी नहीं बदलती। मसलन के जैसे ऋषभ और तुम मेरे बेटे हो, वैसे अगर मेरी दो बेटियां होती और उनका रिश्ता सौतेला होता और उनमें उतनी ही नफरत होती जितनी तुम में और ऋषभ में थी, जमीन आसमान एक हो जाता लेकिन उनकी ये नफरत नहीं जाती। वो एक दूसरे से उतना प्यार कभी नहीं कर सकती जितना तुम और ऋषभ आज करते हो। एक औरत जब प्यार करती है ना तो हमेशा के लिए करती है, और जब नफरत करती है वो भी हमेशा के लिए। यह गलत नहीं, ये कुदरत है। आदमी और औरत के बीच में ये फर्क कुदरत में है। भगवान जाने ये सही है या गलत। एक बात है, मेधा से मैं जिंदगी भर नफरत करते रहूंगी। अच्छा बेटा, मुझे देर हो रही है, सीधे बैठा।